जा रहे हैं टाइट्रेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइट्रेशन हमारे पास क्या होती है। टाइट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम गैर जाने हुए सॉल्यूशन से गैर जाने हुए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें टाइट्रेशन करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये हमारे पास है आयरन स्टैंड और ये हमारे पास है ब्यूरेट। आयरन स्टैंड के साथ हमने ब्यूरेट को अटैच किया है और उसके बाद ये हमारे पास बीकर के अंदर है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और उसके बाद ये हमारे पास जो है वॉल्यूमेटिक फ्लास्क के अंदर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है सल्फ्यूरिक एसिड का और ये हमारे पास एक छोटा सा बीकर पड़ा हुआ है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे जाने हुए सॉल्यूशन से गैर जाने हुए सॉल्यूशन की और ये हमारे पास है इंडिकेटर फिनोल फेथलीन। अब हम इस ब्यूरेट के अंदर 50 ml बेस फिल करेंगे। सबसे पहले अभी हमने इसके अंदर 50 ml बेस डाल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम इस बीकर के अंदर एसिड डालेंगे, ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। हमने इसके अंदर एसिड डाल दिया, अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 ड्रॉप फिनोल फेथलीन इंडिकेटर के। वीक बेस और वीक एसिड होता है और अब हम यहां से आहिस्ता आहिस्ता ब्यूरेट को चलाएंगे और देख रहे हैं कि आप ड्रॉप ड्रॉप करके ब्यूरेट के अंदर से हमारा बेस का सॉल्यूशन एसिड के अंदर मिक्स हो रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पर ब्यूरेट को हिलाते जाएंगे, फ्लास्क को हिलाते जाएंगे यानी कि शेक करते जाएंगे और सॉल्यूशन आपस में मिक्स होता जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएगी और सॉल्यूशन अपना कलर चेंज कर लेगा। अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे सॉल्यूशन का कलर चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर हमारे पास एसिड और बेस दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि हमारा यहाँ से बेस कितना एसिड के अंदर गया है। यहाँ पर 10 ml बेस हमारा एसिड के अंदर मिक्सअप हो चुका है यानी कि यहाँ पर जो हमने एसिड लिया था उसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं थी तो इस बेस के जरिए हमने इस एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड की है। इस एसिड की कंसंट्रेशन भी हमारे पास 10 ml है।